नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के लिए लखनऊ की इको गार्डन में धरना चल रहा है कृषि विद्यार्थियों के द्वारा। यह धरना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर जिन्होंने 2021 में PET का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UP SSC जो आयोग है वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। अपनी बात को मनवाने के लिए कृषि विद्यार्थियों ने जो है इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं। ख़ास तौर पर हमारा विनम्र निवेदन उन विद्यार्थियों से है जो एको बार भी धरना में नहीं पहुँचे तो इस बार धरना में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि इस धरना सफल धरना हो इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी जो है घर से बाहर निकलिए, अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई के लिए आपको जो है साथ में आना पड़ेगा। अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ नहीं देंगे तो वैकेंसी भाई नहीं आएंगी ये समझ लो आप। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचिए इको गार्डन लखनऊ में। और वीडियो को इसलिए मैं बनाता हूँ कि कारण क्या है कि क्योंकि हमारे द्वारा मोटिवेट हों आप और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचे, है ना, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग धरना में ज़रूर पहुँचिएगा। अगर आप धरना स्थल पर हमारा साथ देंगे तो निश्चित ही वैकेंसी आएंगी और इसलिए वैकेंसी आए, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग जो है पार्टिसिपेट करिएगा। पूर्वांचल के लड़के बहुत ही एक्टिव हैं इस धरना में। वहीं पर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी लड़के हैं या अवध के क्षेत्र के जो भी लड़के हैं, ख़ास तौर पर कन्नौज जिला के लड़के बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ये लोग धरना में जाना नहीं चाहते हैं। वैकेंसी इनको मिल जाए बस, काम ना पड़े, मेहनत ना पड़े, और संघर्ष के नाम पर कन्नौज के लड़के जीरो हैं। इसलिए ख़ास तौर पर हमारे कन्नौज वाले लड़कों से यही गुजारिश है कि घर से आप लोग बाहर निकलिए, अगर आप नहीं निकलोगे तो वैकेंसी भूल जाइएगा। लगातार आप घर पर लेटे लेटे तैयारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कन्नौज के विद्यार्थी ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि ट्रेन का साधन यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही कम खर्चा लगेगा। हमारे हिसाब से 100-125 रुपये में वो आराम से लखनऊ पहुंच जाएंगे और 100-200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए आप सभी लोग घर से ज़रूर निकलें, अगर आप सभी साथ देंगे तो निश्चित ही कृषि योद्धाओं आपको जॉब मिलेगी और वैकेंसी आएंगी, है ना। हमारी लोगों की संख्या थोड़ी होने की वजह से जो है UP SSC आयोग जो है हमको धमकाता है और हमारी बात पे थोड़ा कम ध्यान देता है, है ना। पूर्वांचल के स्टूडेंट की अगर बात करें तो अमित शुक्ला हुए, चाहे अभय शंकर दुबे हुए, चाहे विनय हुए, मतलब कई सारे विद्यार्थी वहाँ पे संघर्षशील व्यक्ति हैं, लगातार इको गार्डन में डटे हुए हैं और बेहतरीन धरना दे रहे हैं। संघर्ष लगातार उनका जारी है, वो हार नहीं मानने वाले हैं। आप सभी लोग जिनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है, अगर वो बाई चांस नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत दूर हैं, तो कुछ पैसा ऐसा सेंड करके भी उनकी मदद करिए ताकि वहाँ पे जो विद्यार्थी रुके हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे हो सके और वो लोग ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। थोड़ी बहुत राशि उनके पहुँच जाएगी तो वो खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रहे, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि दिक्कत होगी, आप अगर वहाँ पहुँचते हैं तो रहने खाने की व्यवस्था आपकी वहाँ पर होगी, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जो हैं अच्छे स्टूडेंट हैं, लगातार कृषि विद्यार्थी डटे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आज धरने का तीसरा दिन है, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी धरने में पहुंचिए, ख़ास तौर पर कानपुर लखनऊ की आसपास के बच्चे भी पहुंचे। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ से कई सारे बच्चे आए हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, अगर फतेहपुर जनपद से कई सारे विद्यार्थी आ जाते हैं तो निश्चित धरना सफलता की ओर बढ़ेगा। तो ख़ास तौर पर कन्नौज फतेहपुर के विद्यार्थियों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ही लेजी पर्सन हो, कम विद्यार्थी यहाँ से पहुँचे हैं धरना में, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचिए। जबकि कृषि स्टूडेंट की बात करें तो कन्नौज और फतेहपुर में जो है कृषि विद्यार्थियों की भारी संख्या है, लेकिन फिर भी ये लोग धरना में नहीं पहुँच रहे हैं तो ये गलत बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, औरैया, इटावा, इधर एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलपुर, बदायूं, यहाँ के भी लड़के पहुँचे भारी संख्या में ताकि धरना सफल हो सके। कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप आ सकते हो, बस डे बाय डे आप पहुँचते रहिए धरना में। रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे यहाँ आप पढ़ाई करोगे घर पे, तैसे आप वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसलिए सभी लोग पहुँचे ताकि धरना सफल हो, और अगर वैकेंसी आ जाती है तो निश्चित आपको जॉब मिलेगी, इसमें कोई धोखा नहीं होने वाला है। और विद्यार्थियों, जब 2022 का PET एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे यही कुछ कहना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवीनतम जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।